नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पाइस विद फ्लेवर में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सहजन के परांठे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे सहजन को काट लिया है और इसके छिलके भी नहीं उतारे हैं, इसको वॉश करके काट के और इसे मैंने बॉईल करने के लिए डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया है और इसे अच्छे से उबाल लेना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ये उबल गए हैं और ये सॉफ्ट हो गई है सहजन। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम सहजन को क्रश कर लेंगे। पहले मैं मैशर से करने लगी थी पर उससे हो नहीं पाया, तो मैंने हाथ को ही अपने यूज़ किया है। हाथ से अच्छे से इसे क्रश कर लेना है और अच्छे से निचोड़ लेना है इसे, ताकि इसका सारा जूस निकल जाए। ये देखिए मैंने अच्छे से निचोड़ के सारा इसका जूस निकाल लिया है और अब इसे मैं छान लूँगी छलनी में, ताकि कोई रेशा ना आए इसमें और इसमें जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल है सारा निकल जाए। ये देखिए अच्छे से ये छन गया है। अब हम 2 कप आटा ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच अजवाइन का, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला, 1/2 से कम चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी, 2-3 चम्मच डाल देंगे सरसों का तेल। अब डाल देंगे कटा हुआ धनिया, इसमें अब डालेंगे 2 चम्मच नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सहजन का जो रस हमने निकाला है, उसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अच्छे से मिला के आटे को गूंथ लेंगे हम। ये देखिए आटा जो है वो गूंथ गया है। अब हम बनाएंगे सहजन के परांठे। इसके लिए सबसे पहले हम एक लोई ले लेंगे और इसको हाथों से ही गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद इसमें हम लगा देंगे घी, या आप तेल भी लगा सकते हो। इस तरीके से हमें ट्रायंगल शेप में ही इसे बनाना है। इसे हम अब बेल लेंगे। इस परांठे को मुगलाई परांठा भी बोलते हैं, तो हम उसी शेप में इसे बना रहे हैं। परांठा बन गया है, अब इसे हम डाल देंगे तवे पे। अच्छे से एक तरफ सिकने के बाद दूसरी तरफ हम इसे टर्न कर लेंगे और इसमें लगा देंगे घी। और इसे अच्छे से अलट पलट करके सेक लेंगे। इसी तरीके से मैंने सारे जो है वो परांठे बना लिए हैं। उठा लेंगे इसे अब तवे से और ये देखिए हमारे जो परांठे हैं वो बनके तैयार हो गए हैं, जो मैं रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अचार, चाय किसी के साथ भी ले सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, मेंशन, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को।